विश्व पर्यावरण दिवस आज, प्रकृति के लिए समय और बायोडायवर्सिटी के साथ नगर वन पर किया जा रहा है फोकस। आज भारत में नगर वन योजना की गई लॉन्च। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पर्यावरण दिवस पर बेल और रुद्राक्ष के पेड़ लगाकर 30 करोड़ पौधारोपण अभियान की शुरुआत। हमें पर्यावरण के साथ चलना होगा, बिना पर्यावरण के कोई जीवन नहीं, कहा उन्होंने। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 502 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 3,828। अब तक 5,648 मरीज पूरी तरह से हुए हैं स्वस्थ। और 8 जून से खोले जाएंगे धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल। गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। प्रदेश द्वार पर सैनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल 5 जून को मनाए जाने वाले इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करना है। इस साल पर्यावरण दिवस पर प्रकृति के लिए समय और बायोडायवर्सिटी के साथ नगर वन पर फोकस किया जा रहा है। और आज भारत में नगर वन योजना लॉन्च भी की गई है। पर्यावरण दिवस के मौके पर कोरोना संकट के कारण दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। इस साल पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता रखी गई है। इसे देखते हुए समारोह में शहरी क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म दिखाई गई, जिसमें पुणे के वर्जे इलाके में महाराष्ट्र के वन विभाग, एनजीओ और उद्यमियों की मदद से 16.8 हेक्टेयर बंजर भूमि को हरे जंगल में बदला गया है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने वाली पुणे की नगर वन परियोजना देश के अन्य हिस्सों के लिए एक उदाहरण साबित हो सकती है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सरकारी संगठनों, वन विभाग और अन्य लोगों की मदद से अगले 5 साल में पूरे देश में 200 शहरों में नगर वन योजना के क्रियान्वयन की भी घोषणा की। We have forest in rural areas, but not much forest in urban areas. And therefore, we have introduced the scheme of urban forest. And we have decided to launch our Nagar Van program, urban forest program, in 200 corporation cities of India. We started in Pune in 2015, and that is the model for improving the forest, urban forest. इन 200 सिटीज ये जन आंदोलन होगा और इसलिए सबको साथ आकर काम करने का मैं अपील करता हूँ। पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने देश में जैव विविधता के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण और मृदा नमी संरक्षण पर जोर देते हुए इस दिशा में सभी की भागीदारी का आह्वान किया। The nature today, under the pandemic and whatever we are going through in the world, what we are fighting together, is a nature's call, is a planet, mother planet, letting us know that we all need to be more careful and the efforts need to be more concerted to ensure that, you know, we take care of our this planet in the manner that it should be. देश में बढ़ते शहरीकरण के कारण अपने यहाँ पाई जाने वाली जैव विविधता को संरक्षित करने की जरूरत है। इस दिशा में शहरी वन की परियोजना कारगर साबित होगी। दिल्ली में हुए वर्चुअल समारोह में महाराष्ट्र के वन मंत्री, पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों, यूएनसीसीडी और यूएनईपी के कार्यकारी निदेशकों के अलावा कई अन्य लोगों ने भी अपने विचार साझा किए। विश्व पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये दिन पूरी प्रकृति में परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है। भारत में बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण के संरक्षण की परंपरा रही है। हम अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि भावी पीढ़ियों को बेहतर और हरित पृथ्वी विरासत में सौंप सकें। साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि हमारा ग्रह आज पारिस्थितिकीय संकट से गुजर रहा है, इसके मद्देनजर हम जैव विविधता और बिखरे हुए पारिस्थितिकीय तंत्र को सहेजने के प्रयासों को न केवल जलवायु संकट बल्कि खाद्य सुरक्षा, जलापूर्ति और अपने लोगों की सुरक्षा के दिशा में भी बढ़ाएं। इसके अलावा इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पर्यावरण दिवस पर लोगों से अपील की है कि हम सभी पर्यावरण दिवस पर अपने ग्रह को समृद्ध, जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिज्ञा को दोहराएं
और उन्होंने ये भी कहा कि आइए हम सामूहिक रूप से वनस्पतियों और जीवों को सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभव हो हम पृथ्वी के साथ साझा करें, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी बेहतर ग्रह बना सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पर्यावरण दिवस पर बेल और रुद्राक्ष के पेड़ का वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण के साथ चलना होगा, बिना पर्यावरण के कोई जीवन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 3 साल में हमारी सरकार ने पर्यावरण के लिए बड़ा काम किया है। वृक्षारोपण और गंगा अभियान हमारी प्राथमिकता में शामिल रहा। गंगा के किनारे किसान को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा और इसके लिए उनको सरकार सहयोग भी करेगी। गंगा के दोनों किनारों पर फलदार और छायादार वृक्षों का रोपण भी किया जाएगा। इस वर्ष लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे जो प्रदेश के पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम अपने पर्यावरण की रक्षा करके प्रकृति के साथ कैसे समन्वय स्थापित कर सकते हैं, इसकी एक नई प्रेरणा ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना संकट से उभरने के लिए पीएम पैकेज की घोषणा की है और पीएम पैकेज के माध्यम से लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अनेक प्रकार के प्रावधान किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जैविक खेती को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमारी कार्य योजना बनकर के तैयार है। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए जो कार्य विगत 5 वर्षों के दौरान हुआ है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण के एक बृहद अभियान को हाथ में लेकर के जो किसान गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में फलदार वृक्ष अपने खेत के मेंढ पे लगाएगा, उसे निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराने, जो अपने पूरे खेत में फलदार वृक्ष लगाएगा, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड उपयोग नहीं करेगा, उसे प्रतिवर्ष महीने के हिसाब से कुछ सब्सिडी शासन स्तर पर एकड़ के हिसाब से देने की व्यवस्था के साथ ही हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि पूरे प्रदेश में इस पूरे सीजन में हम लोग 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को वन विभाग के माध्यम से करने के लिए कार्य करेंगे। प्रदेश के वनाच्छादन को बढ़ाना और लोगों को पर्यावरण के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करके प्रकृति के संग रहने के लिए आगे बढ़ना, यही आज का संदेश है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी व सतर्कता बरतना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत उन्होंने सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा प्रभावी पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्र न होने पाए। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में धर्म स्थलों को खोले जाने से पूर्व प्रशासन व पुलिस के अधिकारीगण धर्म स्थलों के प्रबंधन से जुड़े लोगों से संवाद बनाते हुए उन्हें सभी सावधानियां सुनिश्चित करने की जानकारी दें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रत्येक धर्म स्थल पर सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था भी रहनी चाहिए। धार्मिक स्थलों के बारे में जो निर्देश भारत सरकार ने दिए हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स के बारे में जो निर्देश दिए हैं और ऑफिसेस के बारे में जो निर्देश दिए हैं, उनका आज जो है समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि धर्म स्थलों पर जो निर्देश भारत सरकार के आए हैं उनका तत्काल आज ही परीक्षण करके इस प्रकार से व्यवस्था बनाई जाए कि जो है उसको हम धर्म स्थलों को खोलने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस संबंधित अधिकारी जो है वो धर्मस्थलों के जो प्रभारी हैं उनके साथ संपर्क बनाकर संवाद बनाकर उनको खोलने की व्यवस्था भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप करेंगे। ये व्यवस्था करी जाएगी
कि धर्मस्थल पर सैनिटाइजर रहेगा, इंफ्रारेड थर्मामीटर रहेगा, पल्स ऑक्सीमीटर भी रखने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। धर्मस्थल के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु यथासंभव न हो ये भी देखना होगा, और जो प्रतिमा है और धार्मिक ग्रंथ है उसको कोई छुए न, स्पर्श न करे, और जो भी धर्मस्थल में जाए जूता चप्पल बाहर छोड़कर जाए, और जूता चप्पल रखने की जो व्यवस्था है वो उसका प्रॉपर इंतज़ाम सभी धार्मिक स्थलों पर किया जाए। उन्होंने कहा कि उचित होगा कि यथासंभव अपने वाहन आदि में ही लोग अपना जूता चप्पल उतार के जाएं, जिससे कि धर्मस्थल के प्रस्थान आगमन में कोई किसी तरह की कठिनाई न हो। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 502 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसको मिलाकर प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,828 हो गई है। अब तक 5,648 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अलग अलग प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों को आशा कार्यकर्ताओं की मदद से ट्रैक किया जा रहा है। अब तक 12,80,833 मजदूरों को ट्रैक किया गया है, जिनमें से 1,163 में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिनके सैंपल टेस्ट के लिए लिए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस प्रदेश में 3,828 हैं, 3,828, और इस समय तक कुल 5,648 मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस संक्रमण से अब तक कोविड धनात्मक 257 लोगों की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 4,765 लोग हैं, जिनका इलाज विभिन्न चिकित्सालयों में और चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 8,963 लोग हैं, जिनके सैंपल लेकर के उनकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। कल प्रदेश में अधिकतम अब तक के अधिकतम सैंपल्स की जांच हुई, और कल प्रदेश में 12,589 सैंपल्स की जांच की गई। प्रयोगशालाओं को 11,226 सैंपल्स भेजे गए थे, उनके पास कुछ जो पहले की पेंडेंसी थी वो भी क्लियर हुई, और 12,589 सैंपल्स की कल जांच की गई। पूल सैंपलिंग के अंतर्गत पाँच पाँच सैंपल के 1,036 पूल और 10-10 सैंपल के 167 पूल लगाए गए। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन अवधि में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। होटल और रेस्टोरेंट के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें कहा गया है कि प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर, डिस्पेंसर, थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है, चेहरे पर मास्क और 6 फीट की दूरी का पालन किया जाएगा। परिसर के भीतर पार्किंग आदि में भीड़ प्रबंधन जरूरी है। प्रवेश और बाहर निकलने के अलग अलग रास्ते होंगे। लिफ्ट में सीमित संख्या में व्यक्तियों के प्रवेश की इजाजत होनी चाहिए। वहीं अतिथियों की ट्रैवल हिस्ट्री का ब्यौरा और सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भरवाना जरूरी है। रिसेप्शन पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है। बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। लगेज को भी सैनिटाइज करना जरूरी होगा। रेस्टोरेंट में बैठने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन भी अनिवार्य होगा। डिस्पोजेबल मेन्यू के इस्तेमाल की सलाह भी दी गई है। बगैर संपर्क में आए ऑर्डर लेना और डिजिटल पेमेंट के उपयोग की भी सलाह दी गई है। देश में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक भारत में अब संक्रमण कुल सक्रिय मामले 1,10,960 हैं। वहीं अगर स्वस्थ हो चुके मरीजों की बात की जाए तो आंकड़े बढ़कर 1,09,461 हो गए हैं, यानी ये सभी संक्रमण से मुक्त होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगातार लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन में दी गई ढील के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करें, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और उसे रोज अपडेट करें। इसके अलावा मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलें। अंबेडकर नगर जिले प्रवासी लोगों के आने के सिलसिले के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसी बीच जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
सत्यप्रकाश गौतम की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में जिला अस्पताल को पूरी तरह से सील करते हुए ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वैकल्पिक तौर पर नए मरीजों को इमरजेंसी में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवा देने के लिए जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की तबीयत खराब होने के बाद लखनऊ पीजीआई में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां कोरोना जांच में पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और पूरे अस्पताल परिसर को सैनिटाइजेशन का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अस्पताल परिसर में रहने वाले डॉक्टर और अन्य स्टाफ में लगभग 50 लोगों को क्वारंटीन के लिए चिन्हित भी कर लिया गया है और जल्द इन सभी को क्वारंटीन कराया जाएगा। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अवस्थी हो गई है। अम्बेडकर नगर के CMS डॉक्टर SP गौतम साहब की कल अचानक तबीयत खराब हुई थी, जिससे उनका कोविड टेस्ट कराया गया और उनको SGPGI लखनऊ रेफर किया गया। कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, अस्पताल को 24/48 के लिए सैनिटाइजेशन के लिए इसको बंद कर दिया गया है। इसको सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और इसमें जो लोग रहते हैं उनका सर्वे करा के उनको क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा रही है। क्वारंटाइन तो अस्पताल में जितने लोग होंगे, जो संदिग्ध होंगे, सभी को होगा। 100 से 150 लोगों का सैंपल लिया जाएगा। अम्बेडकर नगर में ही समाज सेविका पूनम राय द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के तौर तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही सैनिटाइजर और मास्क का भी वितरण किया जा रहा है। पूनम राय ने बताया कि जब से ये इस कोरोना वैश्विक महामारी से हम सबको सामना करना पड़ा है, तब से हम लगातार सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करने के साथ ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने की बराबर मैं प्रेरणा देती हूँ। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता अभियान और वितरण में जिससे मैं मिलती हूं, उन्हें ये बताती हूं कि अपने हाथ से चेहरे को, नाक को, आंख को न छुएं तथा मास्क जरूर लगाएं। उनसे अपील करती हूं कि जो भी लोग आपके संपर्क में आए उनको भी इन बातों को जानकारी दें। इसके अलावा अधिवक्ताओं को भी जन जागरूक कर रही हूं। कोरोना नामक वैश्विक महामारी हम सबको करना पड़ा, तब से मैं लगातार मास्क का वितरण कर रही हूं, सैनिटाइजर का वितरण कर रही हूं और लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बार बार प्रेरणा देती हूं। साथ ही इन लोगों को ये बताती हूं कि अपने हाथों से चेहरे को, आँख को, नाक को ना छुएं और मास्क जरूर लगाएं। यह जन जागरूकता अभियान वितरण के साथ साथ ही मैं इसको भी चला रखी हूं, जिनसे भी मैं मिलती हूं मास्क देती हूं, इन बातों को जरूर बताती हूं। साथ ही ये भी बताती हूं कि आपके संपर्क में जो लोग आए उनको भी आप ये बताते हैं। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट ने कहा है कि सतर्कता बरतने से ही कोरोना संक्रमण से बचाव संभव है। दूरदर्शन से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि खान पान में एहतियात बरतकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कोरोना जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। कोविड-19 से पूरा देश लड़ रहा है। आज हमारे साथ लखनऊ में खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं KGMU के VC MLB भट्ट जी। हम इनसे जानेंगे क्या कुछ उपाय करने चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को रहना चाहिए इस कोविड-19 के दौरान, किस तरीके से हम क्या कुछ बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो भट्ट जी आपका स्वागत है दूरदर्शन के साथ। सर, अब लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 के बाद अनलॉक 1 आ गया है। आपको लगता है अब धीरे धीरे जब बाजार खुल गए हैं तो ऐसे में क्या कुछ सावधानियां, क्या कुछ उपाय करने की लोगों को ज़रूरत है? एकाएक बाजार निकलने की ज़रूरत है तो निकलेंगे तो क्या कुछ सावधानियां जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा भी लगातार बढ़ भी रहा है। ये कोरोना की बीमारी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस बीमारी में एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण सामने आई है कि इस बीमारी से बचना है, लड़ने का सबसे बड़ा साधन है बचाव, और बचाव का सबसे बड़ा साधन है कि अपने को स्वस्थ रखना, और स्वस्थ जीवन शैली उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बीमारी ने पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति
आग्रह पैदा कर दिया है, सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए हैं और ये निर्विवाद सिद्ध हो गया कि स्वस्थ जीवन शैली ही तमाम बीमारियों से बचा सकती है और कोरोना में तो निश्चित रूप से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सब लोग जंक फूड जो है या उल्टी सीधी खाना, नशा करना, शराब, बीड़ी, सिगरेट का प्रयोग करना, उससे लोग दूर जा रहे हैं। पर्याप्त नींद लेना, पर्याप्त पानी, पौष्टिक भोजन करना और फलों और सब्जियों का पर्याप्त प्रयोग करना, ये सब चीज़ें सामने आ गई हैं और नियमित व्यायाम की भी बात पूरा विश्व करने लगा है। तो वास्तव में कोरोना की इस महामारी ने पूरे विश्व को, जो अपने रास्ते से भटक करके अपनी जीवन शैली को बहुत ही खराब कर लिया था, स्वास्थ्य के विपरीत जा रहा था, उसको वापस पटरी पर लाया है। तो ये मैं बहुत बड़ी एक विजय के रूप में देखता हूँ सभ्यता की। और ये इसलिए भी आवश्यक हो गया था कि हमारे देश में मुख्य रूप से पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण या विकास, आर्थिक विकास, इनके तमाम पहलुओं पर लोगों ने अपने जीवन को, जो खाने पीने के तरीके थे उनको पश्चिमी तर्ज पर फास्ट फूड, जंक फूड, इसके हवाले कर दिया था। लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और मास मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, टीवी पे, कंप्यूटर, लैपटॉप पे बैठ करके सेडेंटरी लाइफ ली रहे थे, व्यायाम नहीं कर रहे थे। तो इन चीज़ों को पटरी पर लाना मैं समझता हूँ कि इस बीमारी का सबसे प्रमुख उपलब्धि समाज के लिए हुई है। और दूसरी उपलब्धि जो वर्तमान में तात्कालिक ही लग रही है, लेकिन वातावरण का प्रदूषण जो कम हुआ है, एक तरह से कहा जाए तो पूरे वातावरण का विशुद्धिकरण हो गया है। ये थे प्रोफेसर भट्ट जी जो बता रहे थे कि विशेष एहतियात की जरूरत है कोविड 19 के दौरान। आप लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तभी हम सब लोग कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। मेरठ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन और प्रतिकुलपति डॉक्टर वाई विमला ने मौन श्री का वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया। मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन ने वृक्षारोपण के बाद सभी लोगों से अपील की कि वो प्रकृति के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर वाई विमला ने बताया कि मेरठ का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पूरी तरह से ग्रीन कैंपस है। कोविड 19 के कारण जहां देश में प्रदूषण बहुत कम हो गया है, नदियां स्वच्छ हो गई हैं, हम सभी को इसमें भागीदारी निभाते हुए प्रदूषण मुक्त भारत बनाना है और वातावरण को पूरी तरह से शुद्ध बनाना है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी हमारी जलवायु को शुद्ध करने का कार्य पौधे ही करते रहे हैं। हमने जो प्रदूषण फैलाया उसके कारण ये पौधे भी कम पड़ गए थे जो इस प्रदूषण को दूर कर पाते। और जब ये कोविड के दौरान लोगों ने आना जाना बंद किया, हमने फैक्ट्री से धुआं निकालना, ऑटोमोबाइल से धुआं निकालना बंद किया, तो धीरे हमारी गंगा स्वच्छ हो गई, यमुना स्वच्छ हो गई। तो इसका कारण यही है कि पौधों को अपना काम करने का समय मिलना चाहिए और उतने पौधे होने चाहिए। जितना अर्बनाइजेशन हुआ है उससे पौधों की संख्या कम ही पड़ रही थी। खैर, हमारे विश्वविद्यालय कैंपस तो ग्रीन कैंपस कहलाता है क्योंकि इसमें बहुत पौधे हैं। पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे पर्यावरण को बचाना, उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो पौधारोपण के तौर पे हो या आपका वेस्टेज कम करने के तौर पे हो या डस्टबिन में आप डालें अपना कचरा उसके तौर पे हो। तो इसमें हम कई तरीक़ों से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरा सबसे यही निवेदन है कि अपने अपने तरीके से, जिस भी छोटे माध्यम से या बड़े माध्यम से हम करना चाहें, पर्यावरण के लिए कॉन्ट्रीब्यूट ज़रूर करें, एक जिम्मेदारी लें पर्यावरण संरक्षण की, ताकि हम जिस धरती पर रह रहे हैं उसका हम उसको बचा सकें। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन पर्यावरणीय समस्याओं से हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया भर में लोगों को प्रोत्साहित करता है और हम सभी को प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण की याद दिलाता है। इसी क्रम में विज्ञान भारती अवध प्रांत द्वारा जैव विविधता और पर्यावरण पर कोरोना लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव विषय पर ऑनलाइन ढंग से कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु पोस्टर, 2 मिनट अवधि की लघु फिल्म प्रतियोगिता, निबंध लेखन, कविता लेखन, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें देश के अलग अलग भागों से 400 प्रतिभागियों ने अपनी प्रविष्टियों को सम्मिलित किया। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देखिए, अभी लॉकडाउन किया गया था कोरोना के दौरान, तो हमारी नदियां, हमारी प्रकृति, इन्होंने सबने मरम्मत कर ली। आज फिर से लॉकडाउन खुला है, हम देख रहे हैं कि पुनः लोग अपनी पुरानी गतिविधियों में फिर से सम्मिलित हो गए हैं।
तो अब देखिए इस पर्यावरण दिवस पर उन्हें एक प्रण लेना है, उनको संकल्प कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जो पर्यावरण की बेहतरी हुई थी, जो जैव विविधता में बढ़ोतरी देखी गई, जो नीला आसमान टिमटिमाते तारे देखे गए, नई नई तितलियां, नए नए अच्छे अच्छे कीड़े देखे गए, नई नई चिड़ियां देखी गईं, साफ़ हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मेंटेन हो गया था उसको भी बनाए रखने का आज का दिन हमें और आपको प्रेरित करता है। मथुरा में लॉकडाउन के दौरान आम जनमानस को जन सामान्य की जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो रही है। वहीं कई सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार इन राशनों की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। जिले में दो घटनाओं में 100 क्विंटल से ज्यादा खाद्यान्नों की कालाबाजारी करते हुए दो दुकानदार पकड़े गए हैं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन सतीश त्रिपाठी के निर्देश पर चलाए गए अभियान में इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। समय कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, लोगों को सही मात्रा में तथा सही राशन इनको मिल जाए, इसलिए हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये शिकायत मिली थी कि गड़बड़ी कहीं कहीं पाई गई है, तो दो FIR भी आप जानते हैं कि करा दिया गया है और इनकी दुकानों में बांट माप अधिकारी DSO हम लोग आए हैं। इनका तराजू भी देखा जा रहा है कि उससे कोई कम तो नहीं तौल रहे हैं, चूँकि गरीब लोग हैं, इनको कम अनाज नहीं मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग आज DSO पूर्ति निरीक्षक बांट माप अधिकारी सब लोग जो है इसको चेक कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोनभद्र स्थित NTPC रिहंद परियोजना में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। परियोजना में सघन वृक्षारोपण के साथ साथ सभी कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ भी दिलाई गई। शपथ दिलाते हुए परियोजना प्रमुख बालाजी लायंगर ने कहा कि किसी भी महामारी से निजात पाने के लिए हमें अपने पर्यावरण को ही सुरक्षित रखना होगा, जो हमारे जीवन का मूल आधार है। उन्होंने परियोजना कर्मियों का आह्वान किया कि हमें हर हाल में पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, जिससे मानव जीवन सुगम बना रहे। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से सामानों की रिसाइकिल के माध्यम से उपयोग में लाए जाने पर विशेष बल दिया गया। इस सार्विश पर्यावरण दिवस का हमारा थीम है बायोडाइवर्सिटी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए 3 R's रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, तो हमने उसी इसमें कॉम्पिटिशन कराया है। हमको का अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना है, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको रीयूज करना है, जो रीयूज के बाद भी अगर बचता है तो उसको रिसाइकिल करना है। जैसा कि आप जानते हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक करना है, जिससे पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का अस्तित्व बना रहे, पृथ्वी पर जैव विविधता बनी रहे। इस वर्ष की थीम जैव विविधता है। चित्रकूट में लोग वृक्षारोपण और प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई कर विश्व पर्यावरण दिवस के उद्देश्य को सार्थक कर रहे हैं। पर्यावरणविद साधना चौरसिया के अनुसार लोग बाहर पौधे लगाने के साथ ही घरों के अंदर इंडोर प्लांट्स लगाकर घर के अंदर भी साफ हवा प्राप्त कर सकते हैं। साधना चौरसिया पर्यावरणविद हैं और उन्होंने बताया कि जैव विविधता बचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाना आवश्यक है। वृक्षारोपण, प्राकृतिक जल स्रोतों की नियमित सफाई की आज जरूरत है। लोग घर के बाहर वृक्षारोपण के साथ ही घरों के अंदर इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं। इस विश्व पर्यावरण दिवस पे आम जनता की सहभागिता कैसे हो सकती है, इसके लिए इस लॉकडाउन पीरियड में भी आप अपने घर के आसपास वृक्षारोपण कर सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों में जागरण का अभियान फैला सकते हैं। पर्यावरण के लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है वो है पॉलीथीन, तो इस लॉकडाउन पीरियड में आप पॉलीथीन को कम उपयोग करने पे भी लोगों तक अपनी भावनाओं को या उनको रिसाइकिल करने के लिए क्या हो सकता है इसके लिए अपना योगदान दे सकते हैं। जनपद शाहजहांपुर में भी आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गांधी उपवन में जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण की शुरुआत की। जनपद में इस बार 35 लाख पौधे लगाने के साथ ही उनको जीवित रखने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कैपिलरी सिस्टम ईजाद किया गया है। इसके तहत वृक्षों के साथ मटकी और खाली प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग किया गया है, ताकि पानी के अभाव में कोई भी पौधा सूखने ना पाए। DM इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि वैसे तो पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लोगों में पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसको देखते हुए निर्धारित समय से 1 माह में पहले ही वृक्षारोपण शुरू कराया गया है और सभी विभागों में मनरेगा से पौधे लगाने के लिए कहा गया है। इस वर्ष मानसून अच्छा रहने की संभावना है और स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि जो हम लोग सामूहिक वृक्षारोपण करते थे वो अगस्त के बजाय इस बार जुलाई माह में हम लोग करेंगे, ताकि उसका
जो बारिश का सीजन है वो ज़्यादा पौधों को मिल पाए और वृक्ष एक बार जब सर्वाइव कर जाएंगे तो बने रहेंगे। एक साल पहले से इसकी रणनीति हम लोगों ने बनाई थी और आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने वन विभाग के सहयोग से नर्सरी डिमांड के अनुसार तैयार कर ली है। सभी विभागों को इसके लिए टारगेट भी आवंटित कर दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि इस बार तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करो। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।